हम कितने भी कुरूप हों, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कुरूप नहीं है। कोई मन से कुरूप हो, कोई तन से कुरूप हो, कुरूप तो कुरूप ही होता है। और हम विषयी कुरूपताओं से भरे हुए हैं, सब के सब भरे हुए हैं। इन विषयी कुरूपताओं से पार जाने का एक ही मौका है, भगवान का हो जाना, भगवान से प्रेम कर लेना, भगवान की शरणागति पा जाना। जिस पल जीव इस कार्य को कर लेता है, उसकी कुरूपता नष्ट हो जाती है। और जब व्यक्ति की कुरूपता नष्ट हो जाती है, उसको रूप मिलता है भगवान की कृपा से, तो वो रूप अलौकिक होता है। कुरूपता का मतलब हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कामनाएं, हमारा क्रोध, हमारा वैमनस्य, मात्सर्य, ये सब कुरूपता के लक्षण है। काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंत, ये कुरूपता है। लेकिन अगर जीवन में हमने कभी चीके जैसा है, चीके मगर इस सब के चलते अगर कभी मौका पड़ गया और सत्संग मिल गया, और उस सत्संग से हमको शरणागति मिल गई, तो समझ लेना जीवन सार्थक हो गया। जीवन की सार्थकता ही है कि आप और हमको उसका हो जाना। और जिस दिन आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लोगे, आप नहीं रहोगे, आप वो हो जाओगे जिसके आप हो चुके हो। प्रभु को बजे सो प्रभु का होई, जो परमात्मा को बजेगा वो परमात्मा का हो जाता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो अगर हम इतनी बात को जान जाएं और इतने लाभ की बात जीवन में उतार लें, तो इससे बेस्ट और इससे बेहतर क्या हो सकता है।